हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हरियाणा के मुख्य समाचार की ताजा बुलेटिन में। इस वीडियो में जानेंगे हरियाणा की टॉप 25 फटाफट ताजा खबरें। तो जी हाँ, अगर आप हरियाणा से हैं, रोजाना अपडेट पाना चाहते हैं हरियाणा के मुख्य समाचारों की, तो भी आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर एक लाइक कर दें, वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हरियाणा की मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर से। हरियाणा में पिछले 24 घंटे में 2678 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, एक की हुई है मौत। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं 50,000 टेस्ट प्रतिदिन लेने के आदेश। और दूसरी तरफ पंचकुला में बनेगी हरियाणा की दूसरी जीनोम सीक्वेंसिंग लैब। तो हरियाणा में पिछले 24 घंटे में कोरोना के नए 2678 केस सामने आए हैं। कैथल में कोरोना संक्रमण से एक व्यक्ति की मौत हुई है और ओमिक्रॉन के 8 केस मिले हैं। कोरोना के बढ़ते केसों के कारण स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सैंपल लेने का लक्ष्य 50,000 प्रतिदिन करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में एक और जीनोम सीक्वेंसिंग लैब स्थापित करने का फैसला लिया है। लैब पंचकुला में स्थापित की जाएगी, पहली लैब रोहतक में शुरू हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा हरियाणा के गुरुग्राम में केस देखने को मिले हैं, जो कि 1447 संक्रमित मिले हैं, और फरीदाबाद में 297 केस मिले हैं। हिसार में 36, सोनीपत में 130, करनाल में 107, पानीपत में 6, पंचकुला में 162, अम्बाला में 169, सिरसा में 17, रोहतक में 63, यमुनानगर में 44, भिवानी में 17, कुरुक्षेत्र में 41, महेंद्रगढ़ में 8, नूह में 4, जींद में 24, रेवाड़ी में 23, झज्जर में 46, फतेहाबाद में 9, कैथल में 15, पलवल में 11, चरखी दादरी में 2 केस मिले हैं। ऐसा कोई जिला नहीं है जहां पर कोई केस ना हो। चीका से पटियाला रोड तक बनेगा बाईपास। HPLPC की बैठक में 60 एकड़ जमीन खरीद को मंजूरी, 28 करोड़ रुपए आएगी लागत। तो हरियाणा के कैथल जिले के चीका शहर से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। इसके लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने अपने अध्यक्षता में हाई पावर लैंड परचेज कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें से कैथल जिला में चीका सिटी से पटियाला रोड तक बाईपास निर्माण के लिए भूमि मालिकों की सहमति से ई भूमि पोर्टल के माध्यम से 60 एकड़ भूमि की खरीद को मंजूरी दी गई है। इस पर करीब 28 करोड़ रुपए लागत आएगी। चंडीगढ़ में लगा नाइट कर्फ्यू, रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक आवाजाही बंद, स्कूल कॉलेज बंद, मंडियों में लोगों की नो एंट्री। तो कोरोना के बढ़ते मरीजों को देखते हुए चंडीगढ़ में भी नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवाजाही पर रोक रहेगी। इसके जरूरी वस्तुओं को छोड़कर मार्केट्स भी बंद करनी होगी। सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को नाइट कर्फ्यू के लिए छूट रहेगी। विशेष परिस्थिति के लिए प्रशासन की तरफ से पास जारी किए जाएंगे। और चंडीगढ़ में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 331 केस आए। पंजाब सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव हरियाणा में, हरियाणा भाजपा का आरोप, PM की सुरक्षा में चूक के लिए CM चन्नी और कांग्रेस जिम्मेदार, जानबूझकर लगाए थे नाके। तो हरियाणा भाजपा के महासचिव एवं पंजाब प्रवासी प्रभारी संजय शर्मा ने पंजाब की 30 विधानसभाओं के 82 कार्यकर्ताओं की बैठक चंडीगढ़ में ली। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले को रोकने और रास्ता क्लियर नहीं करवाने पर पंजाब सरकार के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया है। भाजपा नेता ने इसके लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने राष्ट्रपति से पंजाब सरकार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। हरियाणा के सोनीपत में जांच में हर सातवां व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव, दूसरे दिन 130 केस मिले, प्रशासन हुआ सख्त, जमकर काटे जा रहे हैं चालान। तो हरियाणा के सोनीपत में कोरोना पॉजिटिव केसों में आई तेजी थम नहीं रही है। कोरोना पीड़ित 130 नए लोगों के सामने आने के बाद एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर के 305 पर पहुंच गई है। दो दिनों में ही कोरोना के 261 व्यक्तियों को जकड़ा है। राहत की बात यह है कि कोरोना पॉजिटिव की मौत नहीं हुई है। एक्टिव केसेस की बात करें, 46 यहां पर ठीक भी हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर ने किया सोलर वाटर पंपिंग कार्यक्रम का ऑनलाइन शुभारम्भ। बड़ी खबर है, हरियाणा सरकार ने प्रदेश के किसानों को दी है बड़ी सौगात, सोलर वाटर पंपिंग योजना की कर दी है शुरुआत। वहीं CM खट्टर के द्वारा 6 जनवरी को ऑनलाइन माध्यम से यहां पर उद्घाटन किया गया है। इसके अंतर्गत इच्छुक नागरिक अपने खेतों में सोलर पंप लगवाना चाहते हैं तो हरियाणा सोलर पंप यहां पर लगवा सकते हैं और सब्सिडी के माध्यम से यहां पर लाभ उठा सकते हैं। हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद सहित हरियाणा के 11 जिलों में अब 6 बजे तक हो जाएंगी दुकानें बंद। 50% कर्मियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश।
तो बेकाबू हो रहा कोरोना संक्रमण के चलते हरियाणा सरकार ने आधे हरियाणा यानी 11 जिलों में शाम 6 बजे से दुकानें और बाजार बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत, अम्बाला और पंचकुला के दुकानदारों और व्यापारियों को राहत देते हुए जहां बाजार खोलने का समय 1 घंटा बढ़ाया है, वहीं 6 जिलों जिसमें से करनाल, रक्षेत, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर में भी शाम 6 बजे तक बाजार बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। हालांकि दूध व दवा सहित जरूरी वस्तुओं की दुकानों को देर रात तक खोलने की छूट दी गई है। जानते हैं हरियाणा का मौसम अपडेट। हरियाणा में मौसम विभाग के द्वारा जारी किया गया है अलर्ट। हरियाणा में 9 जनवरी तक रहेगा मौसम परिवर्तनशील। प्रदेश के उत्तरी जिलों में होगी झमाझम बारिश। आने वाले दिनों में 12 जनवरी तक मौसम परिवर्तनशील बने रहने की भी संभावना जताई गई है। हरियाणा के सभी 22 जिलों को जल्द ही मिलेगी राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट। 134 ए के तहत स्कूलों में बच्चों के दाखिले न होने के चलते 2 विधायकों ने अधिकारियों को लगाई लताड़। रोहतक जिले में 134 ए के तहत दाखिला पाने के लिए गरीब परिवार के बच्चों को निजी स्कूलों से तत्काल मिल रही है। इसके चलते उन्होंने निर्दलीय विधायक बलराज कुंटू, कांग्रेस विधायक भारत भूषण बत्रा का सहारा लिया। गरीब बच्चों के अभिभावकों के साथ लघु सचिवालय पहुंचे दोनों विधायकों ने अधिकारियों को जमकर करी कोटी सुनाई। दोनों विधायक ये थी हरियाणा के मुख्य समाचारों की ताज़ा बुलेटिन। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।